यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज चल रहा है और इस भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर यहां पर दिखाई देगा, कितना फायदा आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, इसी पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से आशुतोष जी लगातार बने हुए, अशोक पांडे बीजेपी की तरफ से लगातार बने हुए, सनुज लगातार बने हुए मौके से। सबसे पहले सनुज का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सनुज, देखिए सबसे बड़ा राजनीतिक महत्व रखता है उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा की सीटें यहां से आती हैं, 403 विधानसभा की सीटें आती हैं, लेकिन अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ 3 जिलों का चुनाव करती है, इसके पीछे आपको क्या मकसद दिखाई देता है? क्योंकि आप लगातार कवर भी करें, वेस्ट यूपी को आपने कवर भी किया विधानसभा के चुनाव के वक्त भी, आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3 जिलों का चुनाव क्यों किया गया इस यात्रा के लिए? सनुज, देखिए कांग्रेस के तमाम नेताओं से ये सवाल पूछा जा रहा है कि सियासी लिहाज से सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के सिर्फ 3 जिलों तक ही ये भारत जोड़ो यात्रा आखिर क्यों सिमट कर रह गई है, क्यों पूरे प्रदेश में ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस यात्रा को नहीं निकाला गया जब सबसे बड़ा यहाँ का सूबा है, तो उस पर उनके अलग अलग अपने अपने तर्क नजर आ रहे हैं कि ये यात्रा सीधी जो हमारा रूट है वो दिल्ली से हरियाणा जा रही थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं के कहने पर ही हमने इन 3 जिलों से होते हुए अब दूसरे रास्ते से हरियाणा होते हुए और जम्मू कश्मीर चले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चाएं जरूर है कि यदि ये पूरे उत्तर प्रदेश में निकाली जाती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका फायदा होता। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कांग्रेस लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश में हाशिए पर चल रही है, रायबरेली ने लाज बचा रखी है, बाकी और तमाम जगह कांग्रेस को दिक्कत नजर आ रही है। राहुल गांधी जिस नई उम्मीद, जिस नए भरोसे, जिस नए बदलाव को लेकर चल रहे हैं, भीड़ अच्छी उमड़ रही है, बहुत अच्छी बात है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बड़े दलों का समर्थन मिल रहा है, शुभकामनाएं मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चुनौतियां इतनी आसान नहीं है, चुनौतियां कम नहीं है, चुनौतियां राहुल गांधी के सामने बहुत बड़ी खड़ी है, वो बात अलग है कि राहुल देखिए ये तो अपने आप में बड़ी चुनौती है कि कई बार आपने देखा कि तमाम नेताओं की रैलियों में बहुत ज्यादा भीड़ नजर आती है, लेकिन जब वोटिंग मशीन खुलती है तो स्थिति बदली हुई नजर आती है, भीड़ जुटाने में राहुल गांधी बेहद कामयाब नजर आ रहे हैं और एक उनकी छवि भी सुधर रही है, मतलब छवि जिस तरीके से उनको लेकर तमाम ऊपर आरोप लगाए जाते थे, तमाम कटाक्ष किए जाते थे, करके जब निकल रही है आगे बढ़ रही है, अलग अलग हिस्सों में हमने देखा कि बेतहाशा भीड़ जुटी, लेकिन उस भीड़ को वोट में तब्दील राहुल गांधी किस तरीके से कर पाएंगे, कर भी पाएंगे या फिर नहीं, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। आशुतोष जी, जो लंबे वक्त का सूखा है कांग्रेस पार्टी का, वो इस यात्रा के जरिए खत्म करने की जो कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, उसमें कितना सफल हो पाएंगे आपको लगता है? नहीं देखिए, मैं बार बार बिल्कुल, और देखिए ये एक चित प्रतीत चीज है कि इस देश ने इतनी भी यात्राएं देखी। मैं आपको शुरुआत से यात्रा बताऊं, जब एनटी रामाराव जी ने पार्टी भी नहीं बनाई तब उन्होंने यात्रा करी और तब 100 मुझे लगता है 200 सीटों में कम से कम 180 सीटें जीत के आए। उसके बाद जब जगन मोहन रेड्डी ने करी तब भी उन्होंने ऐसे ही किया। चंद्रशेखर जी ने हालांकि बहुत लंबी यात्रा करी और लेकिन उनको 6 साल बाद उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली। तो लोकतंत्र में जब लोगों के द्वारा आप चुने जाते हैं तो लोगों का विश्वास होना आप में बहुत जरूरी है। अगर लोगों का विश्वास नहीं है तो आप कितनी भी बातें कर लीजिए, लोग आपको वोट नहीं देंगे, आपके साथ नहीं खड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है कांग्रेस पार्टी के लिए और उस पार्टी के लिए हितकारी होगा, ये नुकसान तो नहीं दे सकता, हितकारी होगा। और उत्तर प्रदेश में सर किसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश को समझने के लिए एक अपने आप में बड़ा राज्य है, 30 करोड़ की जनता है, 80 लोकसभा सीटें हैं और आपके पास मात्र 1 लोकसभा सीट है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कोशिश कर रही है किस तरीके से हम लोगों को समझे। अगर एक बार उत्तर प्रदेश में यात्रा करती तो भले ही थोड़ा फर्क पड़ता, 3 जिलों में छू के यात्रा करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसको कन्याकुमारी पहुँचना है, तो कैसे वो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से होके आगे जाएंगे, जम्मू कश्मीर तक जाएंगे, वो खाली है। बाकी इसका राजनीतिक लाभ मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसमें मिलने वाला है बहुत ज़्यादा। ठीक है अशोक जी, आपको लग रहा है कि इसका फायदा मिलेगा क्योंकि सूखा खत्म होना है और जो सियासी जमीन खिसक गई है लंबे वक्त से, जो सत्ता से दूर है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, इसीलिए ये कवायद भी की जा रही है, इसीलिए राहुल गांधी लगातार राज्य दर राज्य गुजर भी रहे हैं, जा भी रहे अपनी यात्रा को लेकर के। यूपी में आपको क्या लग रहा है, कोई फायदा मिलेगा आने वाले वक्त में या फिर ये यात्रा निकालने से भी कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा होने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश में? देखिए पहले तो सम्मूल होता है पदयात्रा से, पहले जनता का विश्वास जीतना,
70 वर्षों में कांग्रेस ने जनता का विश्वास हासिल जो था उसे ठुकरा दिया, नष्ट कर दिया। कई अपने कुकर्मों से आज ये दशा आ गई है। विधानसभा में दोनों सदनों में कोई सदस्य इनके नहीं है। साथ ही मेरा ये मानना है कि पहले जनता का विश्वास जीतिए, वरना आपका ये वनवास जीवन भर रहेगा। और जब उत्तर प्रदेश आ गए थे तो एक बार अमेठी में भी झांक लिए होते, जहां से हार गए थे, लेकिन जनता ने कभी एमपी तो बनाया था उनको वहां से। ठीक है, लोगों का भरोसा जीतना सर्वोपरि है, लोगों का दिल जीतिए, भरोसा जीतिए, उसके बाद चुनाव जीतने की बारी आती है, आप ये कह रहे हैं। शुक्रिया अशोक जी आपका भी और आशुतोष जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।